बोला एक आदमी भी तेरे साथ में बने हमने तो पता नहीं क्या की करे आवाज तो करे आवाज का तो अच्छा है इतना कर एक क्या तब तक पैसा माफ नहीं होगा जब तक ठीक है लेवल लेवल ऐसा है मतलब आप क्या बता रहे हैं आप जा रहे हो फिर तो भी मन में जरा किसी आम आदमी को नहीं होता भाई साहब पर 10 साहब के कैसे नहीं भाई नहीं नहीं भाई साहब मैं रखो मेरे पास उत्तर पार्टी जिला ग्रुप का मतलब किस आदमी मेरे साथ नहीं अब हम विरोध कर रहे हैं अरे फिर इसको कोई पैसा पास नहीं होगा जब तक ये ठेकेदार नीचे करेगा कोई पैसा नहीं होगा यहां तो एक मिनट बताओ जी यहां तो यहां तो सीसी की बन सकती थी नजदीक लेके ना बात पूरी रिपोर्ट हो जाएगी लगा दिया अगले ठेकेदार इसका तब तक ठेकेदार का कोई पैसा पास नहीं होगा तब तक उसको बिल नहीं मिलेगा जब तक ये पूरा सही ढंग से काम नहीं होगा साफ से क्लियर सी बात है सर हम साफ क्यों नहीं रखते आपके जब हम बाबू जी बाद में बात करिए बाबू जी बाद में बात करिए शाम को 6:30 बजे का टाइम दे दिया आपको ठीक है ये सारा जो ना कर दीजिए बात यहाँ पे 150 दुकानदार है जिनका मतलब नहीं होना चाहिए कुछ भी पसंद नहीं मारी भी आएगी लोहे की ग्रिल आती है ना उसके अरे लाइट कैसे आएगी लाइट उसी में आ जाएगी भाई फुट भाई नहीं सकती पिल्लर बनेगा उसका बेस बनेगा यार बेस प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं के सारी मैंने ड्राइंग की अब वो है नहीं वो लड़का ने जो कर किसी ने ड्राइंग करता बीच में आम के पौधे रखा हूँ सब कुछ जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक आपको वीडियो डाली थी कि बाल भवनों पे जो डिवाइडर है उसको लेके विरोध किया जा रहा है और यहाँ पे ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो हमारे जींद के विधायक हैं मिस्टर मिड्डा जी तो यहाँ पे निरीक्षण करने यहाँ पे पहुँचे हैं तो हम आपको पूरी दिखाते रहेंगे रिपोर्ट भी क्या इसके बारे में बोलते हैं और किस तरह की कार्रवाई रोकी जाती है या नहीं रोकी जाती है वैसे तो जो तू कह ले तू वही मान ले इतनी में बस आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे मिड्डा साहब यहाँ पे पहुँचे हैं और जो है यहाँ के जो पास के दुकानदार हैं उनसे यहाँ पे वार्तालाप करते हुए कि ये जायज़ है या नहीं क्योंकि यहाँ पे मेन मुद्दा जो सामने आ रहा है कि यहाँ अगर ये डिवाइडर बनती है तो यहाँ जाम की स्थिति बन सकती है और आने जाने में रास्ता जो कंजस्टेड हो सकता है तो उसी मुद्दे पर यहाँ पर बहस होती हुई उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मिड्डा साहब क्या डिसीजन लेते हैं और किस तरह से जनता के साथ हैं और क्या बातें वो अपनी रखते हैं वो भी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे सर नमस्कार सर जैसे आज आप यहाँ बाल भवन रोड पर पहुँचे तो क्या मुद्दा था और कैसे आपने दुकानदार लोग ये कह रहे हैं कि इसमें डिवाइडर ना बना दिए लगभग ये 50 फुट से ऊपर का रोड है और लगभग 3 फुट पर डिवाइडर बनना है और डिवाइडर और बड़ा खूबसूरत और बहुत अच्छा लगेगा इसमें 16 लाख रुपए की लाइटिंग भी पास हुई है जो ठेकेदार थे उसने पहले एक बार में पूरी सड़क बनाने का काम करा जबकि उसको चाहिए था कि बीच में पहले लाइटिंग और पोल वगैरह लगवा कर बीच में डिवाइडर निकाल कर ही इस कार्य को करता लेकिन अब पीछे DDMC की मीटिंग में इस विषय पर चर्चा हुई इस रोड को लेकर जो अनियमितता बरती गई इसके बारे में चर्चा हुई तो बीच में वो लोग डिवाइडर बना रहे और इन लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर कहीं पर भी लेवल कहीं लेवल अच्छा सेट सा नहीं है लेवल के बारे में भी ठेकेदार से क्या दिया जाएगा कि इसको पूरे ढंग से लेवल पे कराए नहीं तो आपकी किसी प्रकार की भी इनका कोई भी बिल पास नहीं करा जाएगा सर ये बिजली के जो पोल हैं सर ये इस रोड को बेड़ा कर रहे हैं काफ़ी जब बिजली के पोल हैं इनको कोशिश करके एक दो ट्रांसफार्मर है एक ट्रांसफार्मर तो ठीक स्थिति में लगा हुआ है एक उसका ट्रांसफार्मर की थोड़ी जगह चेंज करवाएंगे और बिजली वालों को ये लिख के जो जो पोल पीछे हट सकता होगा उनको पीछे हटवाने की कोशिश करें जो पहले सड़क बनाई अब डिवाइडर बना रहे हैं तो ये काम पहले ही क्यों नहीं हो करा जाए ये इन लोगों का देखिए ये ठेकेदार की गलती है उन्होंने देखा नहीं उसको बिना देखे ही इन्होंने काम शुरू किया और जब वो हमारे सामने आया कि इसमें क्या है उसको देख के हमने कहा कि इतना चौड़ी रोड है इसको बिल्कुल बढ़िया ढंग से बनाना नहीं करते क्या पहले ये कुछ कमियाँ जो चली हैं इन कमियों का विरोध मैं करता ही आ रहा हूँ शुरू से इन कमियों का विरोध मैंने किया और वो आपके सामने भी है सर लेकिन अब किसी प्रकार की कोई कमी अनियमितता बरती नहीं जाएगी सर जहाँ पे जैसे भी ब्लॉकिंग वाले ईंटें लगती हैं तो उसमें लेवलिंग की काफ़ी जगह दिक्कतें आती हैं आज पहली बार नहीं आई तो पहले क्यों नहीं इंस्पेक्शन लिया मैं तो लगातार ब्लॉक के खिलाफ हूँ हाँ क्योंकि ब्लॉक अगर गलियों में भी लगते हैं अगर कोई व्यक्ति थोड़ा मजबूत उस गली में रहता है तो अपने सामने के मकान के ब्लॉक को ऊपर उठवा लेता है जो बाकी आसपास के लोग होते हैं
वो उसकी सजा को भुगतते हैं क्योंकि पानी उनके घरों के आगे खड़ा होता है। मैं स्टार्टिंग से इसके खिलाफ हूँ क्योंकि ये तो एक समस्या है, ब्लॉक की एक ऐसी समस्या है जिसका हल निकालना है। ब्लॉक तो सड़क के साइड में प्रयोग करने चाहिए, सीसी की या तारकोल की ही सड़क बननी चाहिए। बल्कि मेरी अपनी राय से शहर में तो जितनी जगह जहाँ पानी रहे वहाँ सारी सीसी की सीमेंट बन गलियाँ या सड़कें बननी चाहिए। तो सर इस तरह का आपने कोई आगे प्रस्ताव नहीं रखा भी ब्लॉक की टीना लगाने जींद में? मैंने तो उस दिन भी इस बात का विरोध किया और मैंने यही कहा कि जो पास हो चुकी है उनके अलावा आगे से अगर कोई भी ऐसी जो भी एस्टिमेट बनाया जाए वो सीसी को लेकर ही बनाया जाए। थैंक यू सर। तो जैसा कि देखा कि यहाँ पे जो हमारे जींद के विधायक हैं डॉक्टर श्री कृष्ण बिड्डा जी यहाँ पहुँचे थे और यहाँ का जो सड़क का मुआयना करते हुए आप नज़र आए होंगे कि ये जैसे मिड्डा साहब हमेशा बोलते हैं कि मैं ब्लॉक ईंटों के हमेशा खिलाफ़ हूँ लेकिन फिर भी ब्लॉक ईंटें लगती रहती हैं। लेकिन आज जिस तरह का यह मुद्दा था तो ये मुद्दा ये कहा कि जो बीच में जो डिवाइडर बन रही है उसको लेकर यहाँ पे विरोध था, जो यहाँ के लोकल दुकानदार उन्होंने यहाँ पे विरोध किया था जिसके चलते मिड्डा साहब यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे सड़क का मुआयना किया और साथ में एक आश्वासन भी दिया कि जो डिवाइडर होगी वो कम से कम की जो है उसकी विड्थ रखी जाएगी जिसमें कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या ना बने और साथ में एक आश्वासन और दिया कि जैसे जिस यहाँ पे लेवलिंग की जो समस्या है उसको दोबारा से रिनोवेट किया जाएगा और जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है उसके जो खम पिलर हैं उनके यहाँ से उखाड़ा जाएगा ताकि किसी तरह की कोई जाम की समस्या ना बने। तो इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट क्लोज करता हूँ। कैमरामैन विनोद सैनी के साथ मैं अनिल डांडा। जय हिंद।